अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं अभी जा रही हूँ जिम, तो मैंने बनाई है ब्लैक कॉफ़ी। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि ब्लैक कॉफ़ी से अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी मूवमेंट से, एक्सरसाइज से पहले जो है ना, ब्लैक कॉफ़ी का एक कप पी लेते हैं ना, तो आपका जो वज़न जो है ना, वेट जो आपके बॉडी में मूवमेंट होती है, आपके फैट बर्न होते हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाता है जी। लास्ट ईयर जो है ना, मैंने अपना 20 किलो जो वेट है ना, वो कम किया था। और मैं रोज़ाना जब भी जिम जाती थी, या बच्चों को छोड़ने जाती थी, या बाहर वॉक के लिए जाती थी, तो मैं एक कप जो है ना ब्लैक कॉफ़ी पी के जाती थी। तो उसके साथ मेरा जो है ना 20 किलो, 82 से मैं 62 पे आई थी। बहुत जल्दी जो है ना वज़न कम होता है, और बिल्कुल हेल्थी वे से। चाहे आप दूसरी चीज़ें ना भी, लेकिन आपको शुगर का जो इंटेक है ना, वो नहीं लेना है। तो जब भी मैं स्पोर्ट्स स्कूल जा रही हूँ, तो ये मैं कॉफ़ी शॉफी पी लूँ, दिल तो नहीं करता, मज़े तो नहीं होंगी। बहुत मज़े किया है। चलिए जी, ठीक है, मैं जाके आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब तो मैंने मशीन ले लिया है, तो अब जो है ना ब्लैक कॉफ़ी जो है ना मैं मशीन में बना लेती हूँ। जब मेरे पास मशीन नहीं थी, तो जो वो जो पाउडर वाली कॉफ़ी मिलती है, मैं किसी दिन आपको शो कराऊंगी, वो मैं 2 चम्मच एक कप में डाल देती थी और उसको अच्छे से हिला के तो वो पी लेती थी। वो भी बहुत अच्छी बनती है मुझे, इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छी लगी है। भाई ए बड़ी कौड़ी सी, इन्हें तो ना मेरा अंदरों की दिमाग की दिल भी हिला देता सी, क्योंकि ये बहुत कड़वी थी। और इसका मैंने ऐसे किया था कि 2 दफ़ा, मतलब एक शॉट जो है ना वो कम था, जिस इसका ना एक बहुत थोड़ी सी बाहर आती है, एन जिसने शराब का शॉट पीना है। तीदन जी, मैं आ चुकी थी स्पोर्ट्स स्कूल से वापस, तो आपको बताया होगा मैंने कि हम लोग जो है ना ये रंग किया था ये वाले टेबल को, तो इसका भी जो है ना जो फाइनल टच था ना वो रहता था। तो मैं आई थी जिम काट के, तो मैं क्या पहले एनू तो मैं ख़त्म करा, तो फिर ही मैं कोई दूसरा काम कराँगी। अभी अभी जो मैं आई थी स्पोर्ट्स स्कूल से, तो पहले ना इसको थोड़ा सा ख़त्म करना था, फिर मैं क्या पहले एनू मुका लेने फिर कुछ शुरू। इधर जी, जब भी मैं कोई पेंट वगैरह करती हूँ, तो जो ब्रश होता है ना, उसको मैं शार्पण में ना अच्छे से लपेट के रख देती हूँ, तो वो जी फिर ड्राई नहीं होता ना, ही वो सख्त होता है। नहीं तो जी सख्त होकर हर बार मैंने नवा ब्रश लेना पे। तो इधर हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मेरे शार्पण उड़ उड़ जान देते सन, तो मैं भी फिर स्पीड फड़ी, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी और जिम करके। तो भाई इधर स्पोर्ट्स स्कूल को जी जिम को जी स्पोर्ट्स स्कूल कहते हैं, तो मेरे शार्पण जो है ना वो देख लें उड़ उड़ जा रहे हैं। तो फिर जी इन्हें मैं कंप्लीट किया, इधर जो छोटे छोटे कुछ थे ना, तो वो ऐसे ऐसे करके ना जैसे अंदर की तरफ करके, तो वो करना पड़ रहा था, लेकिन खैर मैं कर ही लिया। करने के बाद जी मैं अब करने लगी हूँ नाश्ता। तो ये टूना का सलाद मेरे हस्बैंड ने बनाया है, ये ब्रेड ओवन में हमने बेक किया है। तो अब मैं जी बड़ी भूख लगी है जी, मैं नाश्ता खा लवा, फिर तुम्हें दस नहीं आगो। नाश्ता वगैरह किया, तो कुछ और काम किए, तो बच्चे घर आ चुके थे, तो ये जो टेबल है ना ये भी तैयार हो चुका था। ये देखे मैंने, ये पहले मेरे पास ग्रीन कलर का था, ये इतना अच्छा नहीं था लग रहा, फिर मैं ना एक शॉप पे गई थी, उधर से ये मुझे मिला था और ये मैंने रखा। ये बहुत ही प्यारा, ये देखे कितना प्यारा जो है ना बन गया। फिर जी मैं सेट शेट किया, तो उस तो बाद बच्चे कहते हैं कि असी जाना है, कितने जाना है, पार्क च जाना है। पार्क च की जाना है, पार्क च आए तो इतने इन्नी बारिश, मतलब ये देखें ये बलून वगैरह लगे थे, कोई पार्टी थी, लेकिन कोई नहीं था उधर। तो हम लोग अंदर गए, बारिश इतनी थी, मौसम इतना ख़राब हो रहा था, मैं कहा चलो ऐसा नसीए चलिए। कहा अभी मैं शॉपिंग एरिया की तरफ आ गई हूँ, तो अभी हम लोग जी इधर से रोड क्रॉस करते हैं। रोड क्रॉस करने के लिए हमें पहले देखना पड़ता है बाएं, और फिर हमें देखना पड़ता है दाएँ, ऑलवेज पहले लेफ्ट फिर राइट। अब हम लोग इधर से राइट देखेंगे, तो जी आगे चलते हैं। सबसे पहले जो शॉप आती है ये क्राउथफाथ आती है, मेरी बहन आई थी वो कहती थी क्रोडी वाट। क्राउथफाथ है जी, जितनी जितनी फ़ोटो लगी हुई है इस चीज़ के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब मेकअप की, बेबीज़ की, और फिर मेकअप बच्चों की, ये देख लें ये सारे जो सामान है ना, मेंस वुमेंस परफ्यूम सारा कुछ है ना इधर से आपको मिल जाता है। इस सीज़न के मुताबिक आप वेकेशन का सीज़न आना है, या ना चीज़ें पहले ही बाहर काट के रख देती है, और लवो बैग तो खरीदो तो जाओ। ये देखिए ये सारा कुछ इधर पड़ा हुआ है, ये हैट्स हैं, दिखा ला लिया, नहीं पड़ा है। ये गर्मियों के मुताबिक इन्होंने अब चप्पल भी बाहर रख दी हैं। आगे क्या है मैं वो भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। इन शॉप्स वालों को पता होता है इन्होंने सीज़न के मुताबिक जो है ना चीज़ें बाहर रख देनी होती हैं। ये बच्चों के रेत के साथ खेलने वाले खिलौने हैं,
वाटर ब्लास्ट, ये सारी जो है ना अब गर्मियों वाले जो है ना खिलौने बाहर रखे हैं। ये देखें ये रेत के साथ खेलने वाले, हर चीज़ जो है ना इन्होंने जो कोई सीज़न आता है ना बस इन्हों का यही काम होता है कि कस्टमर के सामने जो है ना चीज़ होनी चाहिए, कस्टमर चौका पी लेगा। ये बॉडी केयर का एरिया है, इधर क्रीम्स वगैरह आपको हर किस्म की डॉव निविया हर किस्म की बियो क्रीम्स मिलेंगी। इधर जो है ना स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, गार्नियर की, लोरियल, निविया, बियोडर्मल और किसकी है भाई डर्माल, मतलब डर्माटोलॉजिकल जो भी है। तो जी ये जो है ना अब इधर से मैंने लिया है, ये एक डर्मा स्किन केयर का, क्योंकि इसके साथ स्किन जो पोर्स है ना ये स्क्रब है, पोर्स जो है ना वो साफ रहती हैं। तो 1+1 फ्री है, तो दूसरा भी मैं ये लूँगी, ये भी पोर्स के लिए है। तो ये मेरी शॉपिंग हो रही है, ग्रीन कलर इतना अट्रैक्ट करता है ना, मैं कितने भी अनवेलना तो मेरा दिल करता है कि चीज़ मेरी हो जाए ग्रीन रंग दी। पिंक भी पीछे बड़ा होता लेकिन मुझे ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इधर से जी फिर बाहर निकले तो ये देखें ये जो बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं ना, मतलब लंबे लंबे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कुछ इनकी वजह से रोशनी कम आती है, तो जी फिर ये इस तरह मशीन होती है उस पर चढ़ के तो ये निकलता जाएगा, मतलब ये लकड़ियाँ ऐसे नहीं उठा के लेके जाते, ये इनको इस तरह करते हैं। उस तो बाद जी हम लोग घर आए तो ये जो है ना पाकिस्तान से आई हुई सौंफ होती है, ये बट लगा के मैं बच्चों को रस के ऊपर देती हूँ, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, कुछ भी होना ऐसे मुझे खुद भी इनफेक्ट बहुत मज़ा आता है। तो उस तो बाद मैं लगाया था बच्चों को आड़े, तो हमने आज बनानी थी सालमन। तो सालमन को जी मैंने आपको बताती हूँ तरीका, ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनती है, जूसी सी बनती है। आपने नमक जो है और काली मिर्च जो है ना ऐसे एक साइड पे छिड़क लेनी है, लेकिन जमी हुई सालमन नहीं होनी चाहिए, एक साइड पर छिड़की है तो पैन में थोड़ा सा जी आपने करना है ऑयल गर्म, कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल हो, जो सालमन हेल्थी खाण रहे हो तो ऑयल भी जरा ना हेल्थी होना चाहिए। तो इस तरह जी आपने सारे जो चार जितने भी पीसीज होना इस तरह आपने जो है ना रखने हैं, तो फिर ए उतली वाली साइड पर जरा तुम ना काली मिर्च तो नमक का छिड़काओ ओंजी कर देना जिस तरह दूसरी साइड पर किया। ये देखें ये जो है ना ज़्यादातर जो है ना मेरे हस्बैंड इस तरह के मतलब कुकिंग करते हैं, तो मैं वो ना पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें बनाना, फिर मैं कहनी हलो तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। जब ये दूसरी साइड से इस तरह पक जानी है तो आपने थोड़ा सा बटर पैन में डालना है, तो ये जो है ना ये देखें बहुत ही जबर जो है ना ज़बरदस्त किस्म की ना तैयार हो जाएगी। तो नाल ही दूसरे पैन में मैं अपने कॉर्नर तैयार करने सन भाई, मेरे को ना उन्हें ना बोलिया नहीं जाता, मेरा ना गला खुश्क हो जाता, थक जाता है, जला सह चढ़ के मैं कोई दौड़ लाई दी है। तो जी ये देखे मेरे हस्बैंड ने बटर शटर लगा के तो सालमन दोनों साइड से बड़ी अच्छी सी तैयार हो चुकी थी, कॉर्न भी तैयार हो चुकी थी, दोनों साइड ने बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखें ज़रा आप, फिर इधर बच्चों के मैंने प्लेटर बनाने थे, तो ऐसे मैं प्लेटर बनाने शुरू किए दोवों साइडों तो वेख लो तुम, तो जी तुम उन्हें जो बना के आगे मौसम भी अच्छा है, तो सालमन जो है ना वीक में कोई भी फिश हो वीक में एक दफ़ा जरूर ट्राई किया। सा जी ये जो घर के ये थे चिप्स थे, तो ये नाल दियो मैनू इजाजत, अल्लाह हाफिज़।